लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन हो तुम? इकबाल। इकबाल कौन? सब कुछ बताता हूँ, सबको पहचानता हूँ मैं, तुझे, तेरे भाई को और उसके साथ काम करने वालों को। बहुत दिनों से सोच रहा था, आज कुछ मत करना। एक मिनट, एक मिनट। ये देख, मिनिस्टर ने अखबार वालों से कहा है कि प्रकाश का खून आतंकवादियों ने किया, लेकिन ये आगे लिखा है कि सीनियर इंस्पेक्टर चव्हाण। अन्ना सेठ किधर है? ऊपर है, श्राद्ध था ना, बरसी है बीवी बच्चे का। ओम केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। ओं गंगाभ्याः सर्वकेतसामि मानदेवता सन्निहिताः सन्तो समस्त सम्पत् समवासिनः। लंगड़ा अब्दुल, उसे बोला भी सिर्फ लंगड़ा है, जबान कटेगी गुंगा हो जाएगा, चुप करा दे उसे। करण कैसा है? बहुत दुखी है। ये दुख नाम की बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं, इसका इलाज खुद ढूंढना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है। देख, बीवी बच्चे का श्राद्ध किया, क्या नहीं था उसके पास? पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, बच्चा था, बच्चे को मार डाला, खुद को चला डाला, हम क्या किया? देखते बैठा, भूल गया, सर नहीं पकड़ के बैठा है, कुछ है? भूल गया, भूलने का भूलना पड़ता। बीवी बच्चे के मौत के सामने दोस्त के मौत का दुख क्या होता? ठीक है, ठीक, क्या भूल लेता और क्या?
बोल उसे अन्ना बोला भूल जाओ भूल जाओ बोल। जला डाला उसने अपनी बीवी और अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से और दुनिया से बोला मेरी बीवी पागल थी खुदकुशी कर ली अपने बच्चे को लेकर या ना है ना तभी से खाली आग से डरता है। तुम कैसे जानते हो ये सब? खबरी था मैं अन्ना के लिए काम करता था उसका मैसेज यहां से वहां पहुंचा था। एक दिन अन्ना का मैसेज लेके मैं मूसा से मिला। मूसा कौन? अन्ना का भाई। भाई सगा नहीं धंधे का मगर असल में जानी दुश्मन। चरस बोलो गांजा बोलो लड़कियों को उठवाना बोलो लांच में सोने की स्मगलिंग ऑयल फैक्ट्री दारू की भट्टियां जुगाड़ के अड्डे ये सब इनके धंधे। एक दिन अन्ना का मैसेज लेके मैं मूसा से मिला। मूसा बोला इकबाल अन्ना को छोड़ दे मेरे लिए काम कर ये पैसे रख। और इस बात का अन्ना को पता चल गया। देख इकबाल अपना धंधा है बेईमानी का लेकिन करना पड़ता है बड़ी ईमानदारी से। अपनी मूसा के पैसे से नई टांग खरीद। जनता का आदमी है आप चुनाव जीता है कितना वोट दिलाया आपको मामूली काम है कर दो। हेलो आपको हमारी जरूरत है हमको आपकी जरूरत है। क्या हुआ फोन क्यों किया था? हाँ तुमने मुझसे झूठ कहा था ना कि प्रकाश यहां नहीं है। तुम जानते थे उसका खून होने वाला है इसलिए मुझे दिल्ली भेज रहे थे। झूठ है ये। क्या ये भी झूठ है कि तुम तेल के डिब्बों में चरस हफीम बेचते हो? कौन कह रहा है सब तुझसे? मेरी आंख से आंख मिलाकर बात करो भैया। कौन जहर भरा तेरे दिमाग में करण? ये सारी दौलत तुमने गंदे कारोबार से कमाई है। इकबाल लंगड़े से मिला तू? धरावी की गली गली में तुम्हारे शराब के अड्डे हैं। जाने दे मुझे। बाजार में औरतें बेचते हो तुम खूनी हो और मैं खूनी का भाई हूं। सच चाहिए? ये सच है ये सच है मैं जानता हूं। बस तुम्हारे मुंह से सुनना था मुझे। सुनना ही है तो सुन आज तू मुझसे सुन। जिस दिन तेरे को स्कूल की किताबें दिलाई थी ना उस दिन मैंने पहली बार चरस बेची थी। जिस दिन तेरे को बोर्डिंग स्कूल भेजा था उस दिन मैंने दारू की भट्टी लगाई थी। और जिस दिन तेरे को अमेरिका भेजा था उस दिन तेरे भाई ने बाजार में 5 लड़कियां बेची थी। याद है तेरे को कब शुरुआत था ये? याद है तेरे को? भैया बहुत भूख लगी है। तू रो मत मैं हूं ना तेरे साथ चल। याद है तेरे को? कुछ याद है? उस वक्त मैं छोटा था और मैं क्या बड़ा था। उस वक्त शुरू हुई थी ये कहानी। उस वक्त शुरू हुई थी ये कहानी। जाओ भैया जाओ दिखा दो इसको अपनी ताकत। जाओ भैया छीन लो उसकी बैग। जाओ भैया भागो मैं कहता हूँ ना भागो भागो भैया भागो भागो ना। और उस दिन जो मैं भागा तो आज तक बस भाग ही रहा हूं अपने लिए नहीं। तो क्या मेरे लिए? मुझे तो नहीं चाहिए था ये सब। नहीं चाहिए था तो वापिस कर मेरा बचपन जो भूखा सड़कों पर गुजारा मेरी जवानी जो जेल के अंधेरों में कटी मेरी जिंदगी वापिस कर दे मेरी सारी जिंदगी कर सकता वापिस।
जा जा जल्दी जा, पारो ऊपर ही है। तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो करण। मैं जान गया हूँ प्रकाश के खूनी मेरे भाई के ही साथी हैं। मैं ये भी जान गया हूँ कि भैया सिर्फ मेरी वजह से उनके साथी बने। मेरी एक जिंदगी को बेहतर करने के लिए भैया ने कई बेगुनाहों की जान तक ले ली। कहने लगे मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन पर मुझे तो नहीं चाहिए था ये सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ऐसा ना हो मैं अपनी जान ले लूं। नहीं प्रकाश भैया मारे गए, मैंने सहन कर लिया। अब तुम जहां भी जाओगे मुझे भी अपने साथ ले जाना। वही आदमी जिसने गोली चलाई थी। करण, करण रुक जाओ, रुक जाओ करण, करण नहीं। तूने गोली चलाई थी, तूने प्रकाश पर गोली चलाई थी। अब्दुल किशन का भाई, अपना भाई, इसीलिए तो अभी तक वो जिंदा है, वरना अब्दुल का वार कभी खाली नहीं जाता है। करण पुलिस से मिलने गया था किशन भाई। करण को समझा दे किशन, इसमें करण का कसूर नहीं है, वो लड़की है ना प्रकाश की बहन। तो फिर प्रकाश की बहन को समझा।